बाड़मेर जिले के धनाऊ क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हम सभी लोग डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पांव इस प्रकार से पसार चुके हैं कि वह डॉक्टरों की कौम को ही बदनाम कर रहे हैं। धनाऊ गांव में एक डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर, जिसने गुजरात हॉस्पिटल के नाम से धनाऊ में अपना एक क्लिनिक खोल रखा है, जिसमें बीती रात 60 वर्षीय बुजुर्ग भंवराराम मेघवाल अपना इलाज करवाने आया था। भंवराराम के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण भंवराराम की अस्पताल में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन व समाज के लोग एकत्रित हो गए और अस्पताल के आगे हंगामा कर दिया, जिसके बाद चौटन पुलिस, एसडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मौजूदगी में उस अस्पताल को सीज कर दिया और जो शव है उसको चौटन के सीएससी मोर्चरी में रखवाया है। अभी तक मृतक के परिजनों व समाज के लोगों ने शव नहीं उठाया है। उन लोगों की मांग है कि इस झोला छाप डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें, ताकि ये किसी और भंवराराम के लिए मौत का कारण नहीं बने। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाड़मेर जिले के धनाऊ ही नहीं, कई क्षेत्रों में इसी प्रकार के झोला छाप डॉक्टरों ने अपने पांव पसार रखे हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ इस प्रकार की स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जिला प्रशासन इस प्रकार के डॉक्टरों पर कितनी बड़ी कार्यवाही और किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भंवराराम ने तो इस दुनिया से अलविदा कह दिया, क्योंकि उसकी वजह झोला छाप डॉक्टर बना है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर चौटन पुलिस है, वो भी जांच कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार की घटना कुछ समय पहले इसी क्षेत्र में हुई थी, जहां पर एक मासूम बच्चे को भी इसी प्रकार के झोला छाप डॉक्टरों ने गलत इलाज के कारण उसका दम तोड़ दिया था उस बच्चे ने। अब बड़ी बात, लोगों में ये आक्रोश है ग्रामीण क्षेत्रों में कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं चिकित्सा को लेकर नहीं होने के कारण लोगों को मजबूरी में इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, जिसके बाद वो इस प्रकार मौत का शिकार बन जाते हैं। अब पूरे मामले को लेकर चौटन सीएचसी है, वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक चौटन के तरुण राय कागा सहित कई जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उस मृतक के समाज के लोग और परिजन एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक उस झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग शव नहीं उठाएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर चौटन के चिकित्सा अधिकारियों का क्या कहना है, ये भी आप इस वीडियो में जरूर सुने। रात को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनाऊ पे गया था, उसमें कुछ लोग भी इकट्ठे हो रखे थे, पुलिस प्रशासन भी था और एक 60 वर्षीय बुजुर्ग था, जिसको उन्होंने परिजनों ने बताया कि हमने दल्लाराम का नाम का व्यक्ति है, उसने जो इंजेक्शन लगाया उससे उसकी मृत्यु हो गई है अभी तक। तो हमने पुलिस प्रशासन के साथ जाके, वो मेडिकल पे स्टोर पे तो कोई था नहीं, ना ही बाहर किसी प्रकार क्लिनिक का नाम लिखा हुआ था, तो हमने मौके पे उसको ग्रामीणों और पुलिस की मौजूदगी में उसको सीज किया गया है। और आज है जो श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिट्ठी भेज दी है कि कमेटी गठित कर उसकी क्लिनिक की जाँच की जाए और उसके साथ ही वो बॉडी है वो मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी है। और अभी तक वो परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, मुकदमा दर्ज कराते हम उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के